आजमगढ़ में वेल्डिंग मशीन के सिलेंडर में रिसाव होने से हुए धमाके में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे के बाद मौके पर पहुंचे प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। पूरा प्रकरण जो अभी जानकारी मिल पाई है, शंभुनाथ गुप्ता मुकेरीगंज में उनकी दुकान है जो हमारे लाइसेंसी है पटाखा की, उनके बगल में खिलाड़ी गुप्ता है जिनकी टेंट की और किराने की दुकान है, उसके बगल एक जनरल स्टोर है और एक दुकान और है। ये तीनों भाइयों की दुकानें हैं। इनके यहाँ बिल्डिंग का काम चल रहा था, सीढ़ी पर लोहे की सीढ़ी और छत के ऊपर ले जा रहे थे। बिल्डिंग के दौरान ही वहाँ आग लगी, चिंगारी छूटी और पहले टेंट में आग लगी और टेंट वाली दुकान में इन्होंने पटाखे भी रखे हुए थे, उसमें भी आग लगी और जिसमें 12 लोग घायल जल करके हॉस्पिटल आए गए, जिसमें 12 लोग तो सीरियस हैं, इसके अलावा 4 लोग डेड लाए गए, जिसमें 3 पुरुष और एक महिला। अब इसकी हम जाँच करा रहे हैं। गैस वेल्डिंग मशीन में हुए रिसाव के बाद हुए धमाके में जहाँ 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोग घायल हैं और मौके पर प्रशासन राहत कार्य में जुट चुका है। आजमगढ़ से ईटी भारत के लिए प्रत्युष।